अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आशा ब्लॉग में सबका वेलकम, खुश आमदीद। मैं बना रही हूँ आज रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ सॉरी मैं बना रही हूँ आशा के लिए टिफ़िन के लिए सैंडविच पोटैटो वाला। तो मैंने कढ़ाई गरम की, उसमें डाला तेल, उसमें डाला राई और कड़ी पत्ता। अभी ये कड़ी पत्ता और राई जम कर रहे हैं मतलब अच्छी तरह से हो गए, कड़कड़ाने लगे। तो उसमें मैंने चटनी डाली। चटनी मैं बता देती हूँ किस चीज़ की बनाई हूँ। मैंने बनाई हूँ एक दो हरी मिर्च ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और चार पांच कलियां लहसुन की डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया। और जब ये राई कड़ी पत्ता हो गए तो मैंने डाल दिया चटनी। उसके बाद बॉईल किया हुआ पोटैटो लिया था, पोटैटो बॉईल करके रखा था, उसको मैश करके डाल रही हूँ। हाथों से ही उसको तोड़ना है, हाथों से उसको मैश करना है और उसको हाथ से मसल कर ही डालना है। हो गया। अब ये चटनी जो मैंने उसमें डाली, उसमें ये बोल में बचा हुआ इसके ग्राइंडर मिक्सर का जो जार था उसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी में मैं सैंडविच की चटनी बना रही हूँ। सैंडविच की चटनी में मैंने डाला है लहसुन की चार कलियाँ और दो देखिए तीन हरी मिर्च डाल रही हूँ। उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा और थोड़ा पुदीना चाट मसाला ये डालकर और नींबू निचोड़ कर मैं इसको और पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। नमक भी आप डाल दीजिएगा पीसते वक्त में। तो ये पुदीना है, ये सैंडविच में जो लगाते हैं ना चटनी, उसके लिए सॉल्ट डाला मैंने इसमें। अब इसमें लेमन निचोड़ूँगी और चाट मसाला भी डाला है। तो ये चटनी वो है जो सैंडविच में लगाई जाती है, ब्रेड पे लगाई जाती है बटर लगाने के बाद। इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, पर मेरे घर पर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, पर जो थी मौजूदा उसमें मैंने ये तैयार कर दी। क्योंकि मैंने देखा है, मैं सैंडविच वाले से मैंने पूछा है कि, तो उन्होंने बताया तो लोग जो बेसन की जो जैसे बेसन की गठिया होती है वो भी डालते हैं इसमें, चने की दाल जो भुनी हुई होती है वो भी चटनी में डालते हैं, उसको ग्राइंड कर लेते हैं तो वो थोड़ा थिक हो जाती है और कुछ नहीं। अब देखिए मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने टमाटो सॉस ले लिया है, बटर है ये, और जो बॉयल पोटैटो मैंने जो मसाला लगा कर पोटैटो जो भून लिया था तेल में वो है, चटनी रखी हुई है, प्याज रखा हुआ है, टमाटर कटे हुए रखे हुए हैं। पहले मैंने बटर लगाया, उसके ऊपर मैंने चटनी लगाई है, हल्की लगा रही हूँ ताकि अशफ को ज़्यादा स्पाइसी ना लगे खाते वक्त, क्योंकि वो टिफ़िन में लेके जाने वाले थे, इसी वजह से। ये मैं इसमें इसका बैटर लगा रही हूँ पोटैटो वाला। अब इसमें ओनियन, आप इसमें ओनियन के अलावा आप है कुकुम्बर चीज़ ये भी डाल सकते हैं। मैं मेरे पास जो थी, मैंने कहा ना जो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, जो भी अवेलेबल थी घर में उससे ही बनाया मैंने। तो ये टमाटर डाला है, ये और ये डाला है, ओनियन डाला है कटा हुआ, बटर दूसरे स्लाइस पर बटर लगा रही हूँ, उसमें भी थोड़ी चटनी लगा दूँगी। अब इसको कवर करके मैं इसको इसमें ग्रिल, मेरे पास सैंडविच मेकर है ग्रिल वाला, तो उसमें मैं लगा दूँगी। प्लीज़ मम्मा के वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मम्मा की वीडियो को पसंद करिए। अब और बाजू वाला बैल भी दबा दीजिए। अब ऐसे बोलेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू वाला बैल बजा दीजिएगा, बाय। मेरे बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग सब जो भी देख रहा है मेरा वीडियो मेरे चैनल अशफ व्लॉग्स को, तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हमारे चैनल को आपने दूसरे और चैनल सबको चैनल को बढ़ाया, तो हमारे भी चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने एवरीवन से, शेयर कीजिए अपने अंदर से। मेकर में ब्रेड रख दिए हैं सैंडविच को बना करके, और दूसरा जो एक और सैंडविच तैयार करके उसमें भी ऊपर और नीचे अच्छी तरह से ब्रेड पर बटर लगा दिया है, ताकि वो जब वो ग्रिल हो ना तो अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए ऊपर और निचले वाला हिस्सा भी। अंदर तो मैंने लगाया बटर, ब्रेड पर चटनी और ये बटर ऊपर भी लगाना ज़रूरी है ना, दोनों पर लगा रही हूँ ऊपर। ये दो आते हैं जो सैंडविच में कर रहे हैं, इसमें दो सैंडविच बन रहे हैं, मगर दो टू का फोर हो जाएगा बीच में से कट करने के बाद। ये बच्चों को इजी होता है, बच्चे ये सब चीज़ खाते हैं, मतलब
टिफिन में ना यही सब चाहिए उनको स्नैक्स, ज़्यादा रोटी सब्जी नहीं खाते, फिर भी मैं देती हूँ उनको वीकली वन टाइम, मतलब हफ्ते में एक मरतबा या दो मरतबा तो उसको टिफिन में रोटी सब्जी में देती हूँ, मगर वो शौक से इतना खाते नहीं है। यही सब चाहिए, स्नैक्स चाहिए, सैंडविच है, ये कटलेस है, जो भी जंक फूड होता है ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे टिफिन में लेकर जाना। तो ये मेरा सैंडविच रेडी हो गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, क्रिस्पी एकदम। देखिए हमारा सैंडविच तैयार हो गया, अब इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर रहे हैं बीच में से। ये अशफ का ब्रेकफास्ट था, इनको खाने में ब्रेकफास्ट में भी यही चाहिए था सैंडविच, तो कट करके देखिए एकदम मस्त एकदम क्रिस्पी हो गया। इनको सॉस है और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, पर ये इतनी ग्रीन चटनी नहीं खाते कि वैसे भी स्पाइसी नहीं था, सॉस से अच्छा लगता है ये। और इनके पापा को भी देने के लिए और दूसरा रेडी कर रही थी, और ताकि एहसान और उनके पापा का भी हो जाए। ये भी रेडी हो गए थे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ब्राउन ब्राउन, और जो कलर इसमें शो करा है सेम वैसे ही कलर था एकदम क्रिस्प। ये सब बच्चों को देने के लिए इजी, बनाने के लिए भी इजी हो जाता है, बच्चों को टिफिन में पैक करके देना भी इजी होता है। ये एकदम सब इजी रेसिपी हैं, फटाफट तैयार होने वाले। और बच्चे ये सब टिफिन में ना शौक से खाते भी हैं और फिनिश भी करके लाते हैं, टिफिन पचा कर नहीं लाते हैं। ये सब अपना टिफिन खा रही है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और इनके टिफिन में मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट रखा था और सैंडविच रखा है।